हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का सेटअप देख के थोड़ा आपको हैरानी हो रही होगी, थोड़ा जिम से बाहर आ गए हम। तो ये सेटअप टीचरों वाला रखा है आज हमने, क्योंकि आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक डाइट से रिलेटेड है। जिम के साथ साथ जो हम वीडियो वर्कआउट के डाल रहे हैं, तो डाइट का टॉपिक भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो हम जो इस मील के बारे में बात करने वाला हूँ, ये मील जिमर्स के लिए नहीं है, तो ये मील सभी के लिए है। बूढ़े, बच्चे, यंग जो वर्क करते हैं, जिम नहीं भी करते, सभी के लिए ये मील प्लान है। तो इस मील प्लान का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि हमारी इंडियन कम्युनिटी में क्या होता है, ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉमनली क्या होता है, पराठे बनते हैं, चाय पराठा बनता है, सब यही लेते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। तो अब हम उस चीज़ को रिप्लेस करके एक अच्छा फूड, अच्छी डाइट मॉर्निंग में उसको उसका सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे जो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ इस मील के बारे में, जो कि ओट्स है। हमारी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये दो प्रकार की ओट्स है, मैं दोनों ले आके रखा है मैंने। ये एक है केलॉग्स कंपनी का, दूसरा है क्वेकर। ये हमारी मार्केट में दोनों ही इजीली अवेलेबल है। मैं ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, ये मेरे को थोड़ा अच्छी लगती हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि ये कैसे बनाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो ओट्स का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये होल ग्रेन से बना होता है। होल ग्रेन मतलब कि जो भी ग्रेन्स होते हैं हमारे, जैसे कि वीट हो गया, बारले, मक्का, सभी ये ग्रेन मिक्स करके इसको बनाया होता है। जो भी होल ग्रेन फूड होते हैं हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और इसका दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, ईजी टू मेक। ये सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट में बन जाता है, और इसको हम कहीं भी बना सकते हैं। जो हॉस्टल लाइफ है स्टूडेंट्स की, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई घर से बाहर रह रहा है, हम इसको कहीं भी इजीली बना सकते हैं, इजीली पका के खा सकते हैं, और इवन इसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसको हम शेकर में डाल के शेक करके अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो इसका तीसरा सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, ये ग्लूटन फ्री होता है। ग्लूटन फ्री माने, तो मैं छोटी सी एग्जांपल देख के आपको बताता हूँ। जैसे कि मैदा और वीट, दोनों में क्या अंतर होता है कि जैसे मैदे का जो खींचते हैं हम जब उसको, उसकी इलास्टिसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, वीट की उससे कम होती है, और इसकी इलास्टिसिटी उन दोनों से कम होती है। इसको ऐसे खींचोगे, इसका आटा जो गूंथोगे ना, आटा गूंथने के बाद इसको खींचोगे, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, इसलिए जो ग्लूटन फ्री, जिस चीज़ में ज़्यादा ग्लूटन होता है वो डाइजेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम मैदा खाने को अवॉइड करते हैं। हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मैदा कम से कम खाओ, स्ट्रीट फूड कम खाओ, बिकॉज उसमें मैदा सबसे ज़्यादा इंक्लूड होता है। जिस चीज़ में ग्लूटन जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी हार्म होगा बॉडी को, क्योंकि उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसका स्लो हो जाएगा। ये इजीली आधे घंटे में, एक घंटे में हमारी बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्रीवर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ी बहुत भूख लगती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगला सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि जिस किसी भी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो उस बीमारी के इलाज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाता है। और हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है जिसको, खासकर जिस किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों इसका सबसे अगला बड़ा फ़ायदा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि फैट लॉस बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है हमारी कम्युनिटी में। तो फैट लॉस करने के लिए बहुत ही अच्छी डाइट है ये, बिकॉज इसको खाने के बाद जो फीलिंग आती है, लाइक एज फुल फीलिंग आती है, ये एक साइंटिफिक रीज़न है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि फील लाइक फुल होता है। जैसे हम इसको खाने के बाद बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग फैट लॉस कर लें उनके लिए ये फूड बहुत ही अच्छा है, तो इसको बड़े आराम से बना के आप खा सकते हैं। और जो लोग वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, देखो ये डब्बा रखा है मैंने, इसको ध्यान से देखिए, इसमें ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं मैंने, जैसे कैश्यू हैं, ये वालनट है, इसमें आलमंड है। और हम इसको इसी ओट्स को दूध में बना के खाना है, और बीच में ये सभी जो इंग्रेडिएंट हैं ये डालने हैं, और कुछ फ्रूट लाइक एज एप्पल, बनाना ऐड कर सकते हो। ये सब कुछ क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम वेट गेन कर रहे हैं और इसकी कैलोरी है जो बढ़ानी है हमने। नॉर्मल अगर इसको पानी में बॉयल करके खाते हो तो इसकी 100 ग्राम पर कैलोरी 303 ग्राम है कैलोरी, जो बहुत ही कम है। अगर हम इसको फैट गेन करने के लिए, वेट गेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस मील को, तो हम इसमें ये सब ऐड करेंगे तो इनकी जो कैलोरी है वो हाई होती है, इसलिए हम इन सबको इसको बनाएंगे
उसमें ऐड करेंगे। मैं बनाना भी आपको बताऊंगा कैसे कैसे बनाना है। तो उसके पहले मैं आपको इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपको बता देता हूँ। 100 ग्राम जो ओट्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम ओट्स में 51 ग्राम जो कार्ब्स होते हैं, 13 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम जो गुड फैट होते हैं इसमें, और 8 ग्राम है फाइबर। इन सबको मिला के इसकी टोटल कैलोरी हो जाती है 303 ग्राम। ये 100 ग्राम ओट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हम एक मील में मेरे को लगता है मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ 40 से 50 ग्राम ओट्स, 50 ग्राम मैक्सिमम, 50 ग्राम भी किए नहीं जाते। तो आप अपने हिसाब से इसको डिवाइड करके अगर मेज़र कर रहे हो पूरी डाइट को, प्रोटीन कार्ब्स फैट कर रहे हो, ठीक है, तो इसे मेज़र करना। जैसे कि ये हमारा एक कंपाउंड फूड है, इसमें सब कुछ है। देखो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, गुड फैट है, फाइबर है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है इन सभी न्यूट्रिशन को पाने का, ठीक है, डाइट में। और अब हम इसको किचन में चलते हैं। किचन में आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे हम इसको बना सकते हैं। दोनों तरीके से सिखाऊंगा, पानी में भी बना के आपको सिखाऊंगा मैं, जो फैट लॉस करना चाहते हैं और जो वेट गेन कर रहे हैं, फैट जो थोड़ा हेल्दी चाहिए उनको, तो उनके लिए मैं दूध में बना के बताऊंगा आपको, अलग अलग तरीकों से बना के दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों चलिए हम पहुंच गए अभी किचन में। तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन ओट्स बनाना सिखाऊंगा, जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, कम से कम कैलोरी जिनको चाहिए और एनर्जी पूरी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ऐसा बर्तन लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी, पानी को थोड़ा बॉयल होने देंगे एक दो मिनट तक। तो जैसे कि देखो ये पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। हम इसमें एक स्कूप, ये मैं तो प्रोटीन का स्कूप लेके रखता हूँ, जो 30 से लेके 35 ग्राम जो इसमें ओट्स अच्छी तरह से आ जाते हैं, एक स्कूप लेंगे हम इसमें, अच्छी तरह से इसको डाल देंगे और इसको चम्मच से और इसको बनने में जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये बनके रेडी हो जाएगा। और इसमें देखो दोस्तों, जो बिना बिल्कुल टेस्ट के इसको खा सकता है तो ज़्यादा बेस्ट है, मेरा कहने का मतलब है विदाउट शुगर। और जो लोग इसमें थोड़ा टेस्ट चाहते हैं और अपने टेस्ट अनुसार इसमें 1 चम्मच 1 या 2 चम्मच शुगर डाल सकते हैं। और कोशिश करिए उसमें शक्कर डालिए या गुड़ डालिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीनी मत डालिए, वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जो मेरे भाई जिम करते हैं मैं उनको सजेस्ट करूंगा, यार खुद कुक किया करो, अपने फैमिली मेंबर भी इस कुकिंग को मत छोड़ो, तो अपने लिए खुद कुकिंग किया करो। जो लोग डिपेंडेंट हैं, जॉब हैं, करते हैं, बहुत ठीक है, बात अलग है, लेकिन जो लोग जिम करते हैं, खुद बना सकते हैं, टाइम है, तो यार खुद बनाया करो अपनी डाइट फुल। देखो जैसे कि अब ये बन के तैयार है, अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, हम इसको स्टोव को बंद करेंगे। तो देखो दोस्तों अच्छी तरह से ये बन के बिल्कुल रेडी है। कितना, 2 से 2.5 मिनट हमको इसको बनाने के लिए लगे हैं। हम इसको पैकिंग करके साथ में ले जा सकते हैं और इसको टेस्ट को थोड़ा इन्हांस करने के लिए हम इसमें इलायची डाल सकते हैं, जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं बनाना सिखाता हूँ आपको दूध में। तो दोस्तों अब हम ओट्स को मिल्क में बनाना सिखाएंगे आपको। तो जो ये रेसिपी है वो उन लोगों के लिए जो वेट गेन कर रहे हैं या जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा, वो दिन में ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं अपनी, ठीक है। तो देखिए इसके लिए इंग्रेडिएंट हमारे पास ये थोड़ा ड्राई फ्रूट है, जैसे कैश्यू है, वालनट है और थोड़े आलमंड है, 12 से 13 आलमंड है, और फ्रूट है बनाना, और हाफ मैंने एप्पल कट करके रखा हुआ है। आप ये सब जो ये फ्रूट है आप पहले वाले में जो पानी में बनाना सिखाया था आपको उसमें डाल सकते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस स्टेप से, और पैन में डालेंगे थोड़ा मिल्क। आप अपने हिसाब से डालें, जैसे कि मैं अब 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी को सेट कर लेना, और दूध को वही 1 से 1.5 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि अभी मिल्क बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ये ओट्स डालेंगे वही। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 स्कूप डाले हैं इसमें। दोस्तों ये रेसिपी झट से बन जाती है बिल्कुल, इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए ये ईजी टू मेक है, कोई भी इसे बना सकता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और जो हमने इसमें ये फ्रूट डालने हैं, फ्रूट बाद में, इसको गैस से उतारने के बाद जब ठंडा हो जाए थोड़ा, फ्रूट तब डालने, ड्राई फ्रूट हाँ अब भी हम डाल सकते हैं इसमें। और दोस्तों अगर हम इसमें फ्रूट ऐड कर रहे हैं तो इसमें शुगर बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटीन डाल रहे हैं
प्रोटीन पाउडर डाल रहे हैं तो भी इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग नॉन वेज हैं खा सकते हैं, फ्रूट की बजाय इसमें 5 से लेकर 6 अपने वाइट एग हैं जो वो ऐड कर सकते हैं इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, तो इस मील को ज़रूर दिन में एक बार मैं तो कहूँगा कि ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करें। देखिए दोस्तों जैसे बन के बिल्कुल ही अब रेडी हो चुका है। जब बस एक दो मिनट के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसमें ये फ्रूट ऐड कर लेंगे। दोस्तों देखिए जैसे कि अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हम इसमें अपने फ्रूट हैं जो ऐड करेंगे। और जैसे कि मैं तो थोड़ा प्रोटीन पाउडर ऐड करके खाता हूँ, टेस्ट थोड़ा और ही अच्छा हो जाता है। आपको फिर भी इसमें थोड़ा शुगर कम लगे तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट शुगर डाल सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी मत ऐड करो इसमें शुगर, ऐसे ही आपको बिल्कुल अच्छा ये टेस्टी लगेगा। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन चुका है, ठीक हो चुका है पूरी तरह अच्छी तरह से और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करो, बिकॉज जो आधी नॉलेज आप देख लेते हो तो आधी नॉलेज किसी काम के नहीं है आपके। एंड तक देखा करो, जो रेसिपी बनानी सिखाई है क्या फ़ायदे हैं इसके पूरी अच्छी तरह से, तो ही ये नॉलेज आपके काम की है। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार सत श्री अकाल आदाब।